वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मेरे पास यहाँ पर जो डिवाइस है वो है रियल मी GT मास्टर एडिशन। और रियल मी GT मास्टर एडिशन के लिए जो रियल मी वाई 3.0 का नया अपडेट है C.09 का, वो ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें कि मैंने एक वीडियो में बताया कि इसमें क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है, इस अपडेट के न्यू फीचर्स क्या क्या है, और दूसरे वीडियो में मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट करके बताया हुआ है। तो आप उन दोनों वीडियो को मेरे चैनल पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में, कि इस अपडेट के बाद डिवाइस कैसी परफॉर्म कर रही है, क्या इसका अंतुतु स्कोर है, क्या इसका गीकबेंच स्कोर है, और बहुत कुछ चीज़ें जो है इसमें आपको मैं बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेरी डिवाइस है यहाँ पर, उसका जो वर्जन है वो मैं आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ कि जो डिवाइस है वो लेटेस्ट वर्जन पर अपडेटेड है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो C.09 का इसका लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पर इस डिवाइस में इंस्टॉल्ड है। तो दोस्तों ये तो होगी यहाँ पर इसके वर्जन की बात। अब अगर बात करें यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो इसकी ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग स्पीड है और जो स्मूथनेस है वो यहाँ पर पहले जैसी है, इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर इस अपडेट के बाद भी इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करें यहाँ पर इसके लॉक और अनलॉक स्पीड की, तो वो हम यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर इसके फेस अनलॉक की, तो यहाँ पर जो फेस अनलॉक है वो प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि कितनी जल्दी जो है स्क्रीन अनलॉक हो जाता है। तो इस अपडेट के बाद यहाँ पर स्क्रीन जो अनलॉकिंग का सिस्टम है इसमें फेस अनलॉक में कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप फिंगरप्रिंट अनलॉक को भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पर जो है काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही फिंगर टच करो यहाँ पर जो ये स्क्रीन है वो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों बात करें अब इसके अंतुतु स्कोर की, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये जो अंतुतु स्कोर है वो इसके लास्ट अपडेट का है, जो कि था C.08 अपडेट का। तो यहाँ पर जो इसका लास्ट अपडेट में स्कोर था वो था 516875। इंडिविजुअल CPU और GPU का स्कोर भी आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें कि इस अपडेट के बाद जो इसका स्कोर है वो हमें क्या देखने के लिए मिलता है अंतुतु का, तो वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका अभी लेटेस्ट स्कोर है वो है 512931, और इंडिविजुअल जो CPU GPU का स्कोर है वो भी आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंतुतु स्कोर में जो कमी आई है इस अपडेट के बाद, पिछला जो स्कोर था वो 516000 था और यहाँ पर 512000 के आसपास जो इसका स्कोर आया है, तो यहाँ पर इस अपडेट के बाद अंतुतु स्कोर में इसमें कमी देखने के लिए मिलती है। तो चलिए गाइस अब अगर बात करें यहाँ पर इसके गीक बेंच स्कोर की, तो ये जो स्क्रीन पर आप गीक बेंच स्कोर देख रहे हैं ये है इसके पिछले अपडेट का, यानी कि C.08 अपडेट का। तो यहाँ पर इसका जो स्कोर था वो था 781 सिंगल कोर का, और मल्टी कोर का 2625 जो है इसका स्कोर यहाँ पर देखने के लिए मिलता था। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इस अपडेट के बाद इसके स्कोर में यहाँ पर क्या चेंजेस हैं। तो गाइज अब जो स्क्रीन पर आप यहाँ पर गीकबेंच स्कोर देख रहे हैं वो है यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट C.09 का। तो यहाँ पर जो सिंगल कोर का स्कोर है वो है 775 और मल्टी कोर का जो स्कोर है वो है 2651। तो यहाँ पर सिंगल कोर में थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिली है स्कोर में, और मल्टी कोर में जो स्कोर है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है इस अपडेट के बाद। तो गाइस अब अगर बात करें यहाँ पर इसके CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ग्राफ है वो है C.08 अपडेट का। तो यहाँ पर जो ग्राफ आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट में जाके आपको यहाँ पर काफ़ी येलो लाइंस जो है वो देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है वो मिलता है 75% का। तो यहाँ पर जो पिछले अपडेट में इसका परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो अब इस अपडेट के बाद अगर हम इसके CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें तो वो भी हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो गाइज ये जो आप स्क्रीन पर ग्राफ देख पा रहे हैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का, ये है लेटेस्ट अपडेट C.09 के बाद। तो इस अगर हम CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको लगभग सिमिलर ही पिछले अपडेट के जैसा ग्राफ देखने के लिए मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 79% जो परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए मिलता है, पिछले अपडेट में 75% था। तो यहाँ पर उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस ये बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर इसको नहीं कहा जा सकता है। तो गाइज अब अगर बात करें यहाँ पर इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की,
तो इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर इसका जो ग्राफ है वो तो देख सकते हैं। तो गाइज अगर बात करें इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो लगभग लगभग पहले जैसा ही है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि बैटरी जो है अभी यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म कर देती है, अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो दिन भर जो है ये आराम से इसमें निकल जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जो है वो रियलमी यहाँ पर अभी इसमें कर सकता है। तो गाइज अब अगर बात करें यहाँ पर इसके कैमरा यूआई और परफॉर्मेंस की, तो यूआई में आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसा यूआई आपको इसमें पहले देखने के लिए मिलता था वैसे ही यूआई देखने के लिए मिलता है। कोई भी नया फीचर जो इसमें ऐड नहीं किया गया है। बात करें यहाँ पर इसके कैमरा परफॉर्मेंस की कि जो फ़ोटोज़ है वो कैसे क्लिक हो रहे हैं इस अपडेट के बाद, तो फ़ोटो में यहाँ पर जो है आप स्क्रीन पर मैं आपको कुछ सैम्पल जो है वो दिखा देता हूँ कि फ़ोटो जो है आपको कैसे इसके बाद देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइज़ ये जो कैमरा सैंपल्स है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो कैमरा सैंपल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ़ोटोज़ में मुझे पहले जैसा ही फ़ोटोज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई भी ऐसा फ़ोटो में मेजर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला है। जो मैं हमेशा से अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि लो क्वालिटी में जो इसका कैमरा है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, जिस पे रियलमी को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बस उसी को छोड़ दिया जाए तो इसका कैमरा जो है डे लाइट में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ वो निकाल करके दे देता है। तो इस चीज़ पर बस रियलमी को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, और अपने जो भी अपडेट्स है वो देता है उसमें इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पर जोर देना चाहिए। तो गाइज़ ये था इस पूरे अपडेट का फुल रिव्यू। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।